नमस्कार, हिमालिनी टीवी में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी टीवी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज बुलेटिन में आपसे बात होगी, ओमिक्रॉन के डर से मुंबई में कड़े प्रतिबंध, पूरे शहर में 31 दिसंबर तक लगी धारा 144, नए साल और क्रिसमस का जश्न पड़ेगा फीका। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बचे हुए साल यानी 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंगे। मुंबई पुलिस के इस एक्शन के बाद इस बार मुंबई में क्रिसमस और नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को फील्ड यानी सड़कों पर उतारा जा रहा है। बिना मास्क के घूमने वालों पर भी लगाया जाएगा जुर्माना। मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा कि किसी भी कार्यक्रम में केवल 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इनमें वो लोग ही शामिल होंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। आदेश में कहा गया है कि दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके लोग ही होने चाहिए। ऐसे स्थानों पर सभी आने वाले लोगों और ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। मुंबई पुलिस के अनुसार सभी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल पूरी तरह वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति ही कर पाएंगे। महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी लोगों को या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने चाहिए या उनके पास 72 घंटे में की गई RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। 238 नए मामले आए सामने। मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस के 238 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है बढ़कर 7,65,934 हो गई है। हालांकि कल कोरोना वायरस से किसी की मौत की पुष्टि नहीं की गई है। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 16,360 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वेरियंट के 32 मामले सामने आए हैं। इसमें मुंबई महानगर क्षेत्र भी इसमें शामिल है। आपको बताते चलें, राज्य में 4 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मामले बुधवार को इनकी पुष्टि हुई है। इनमें से 2 मरीज ओसमाबाद और 1-1 मुंबई और बुलढाणा के हैं। राज्य में अब तक 32 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 32 लोग ठीक हो चुके हैं। बुलढाणा में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हुई। दुबई से लौटे 67 वर्षीय बुजुर्ग के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई है।